आज हम डिस्कस करेंगे जूल्स थॉमसन्स पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट, जो कि बीएससी सेकंड ईयर फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो मैं आज आपको इसके दो टॉपिक समझाऊंगा। पहला, जूल्स थॉमसन एक्सपेरिमेंट है क्या, मतलब इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, पहले आपको ये समझाऊंगा मैं। उसके बाद आपका इसकी थ्योरी भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि इसके रिजल्ट्स क्या हैं, कि जूल एंड थॉमसन एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट है, रिजल्ट क्या है आपके। तो पहले आपको मैं डायग्राम से हर चीज़ समझाऊंगा। देखो, जितना भी थ्योरी वाला पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, ये मैं आपको अपने नोट्स पर समझा दूंगा। जितना भी मैथमेटिकल पार्ट आएगा, वो मैथमेटिकल पार्ट में आपको सॉल्व करते हुए वीडियो शूट करूंगा, क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट को अगर मैं लिखने बैठूंगा तो आपके भी वेस्टेज ऑफ टाइम है। थ्योरी तो सिर्फ आपने समझनी है ना, वैसे भी आपने बुक पर से पढ़नी है, फिर मेरी नोट्स पर से पढ़ लेना। तो पहले मैं समझा देता हूँ जूल्स एंड थॉमसन्स पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट है क्या। सबसे पहले जो ये जी है, दैट इज पोरस प्लग, ये पोरस प्लग लिखा है। पोरस प्लग में होता है क्या, ये सिल्क और कॉटन की जो वूल है, ये साइड साइड में जो डॉटर से लिखा है ना, ये सारा ब्रास प्लेट के अंदर इन्होंने को एनक्लोज, ब्रास प्लेट के अंदर इन्होंने ये सिल्क और कॉटन वूल रखा है। अब ये ब्रास प्लेट्स है, ये बी जो ट्यूब्स हैं, दोनों बी ट्यूब्स के अंदर इनको फिट करके रखा है। और ये जो बी ट्यूब्स है, दीज आर फर्दर सराउंडेड बाई डी वेसल्स। जो ये बी ट्यूब्स हैं दोनों, देखो बी ट्यूब्स, ये वाली बी ट्यूब्स, इनके दोनों तरफ क्या है, दीज आर फर्दर सराउंडेड बाय एक और वेसल्स दे रखे हैं, डी वेसल। अब ये ऐसा क्यों किया, इसलिए किया ताकि ये ना ही कोई हीट गेन कर पाए और ना ही हीट लॉस कर पाए, क्योंकि जो वेसल्स हैं, इन वेसल्स के अंदर भी कॉटन है। ये इसलिए किया ताकि जाके जो हम इसके अंदर से गैस पास करेंगे, ताकि ना ही वो हीट गेन कर पाए, ना ही वो हीट रिलीज कर पाए, मतलब एक तरह से इन्होंने आइसोलेटेड सिस्टम करके रखा है। ओके, अब और जो ये ट्यूब्स भी हैं, दीज आर फर्दर, जो ये कॉपर ट्यूब सीसी से दोनों तरफ से अटैच है। इसका जो लोअर पोर्शन है, दीज आर अटैच टू द कंप्रेशन पंप थ्रू द कॉपर स्पाइरल। अब ये कॉपर स्पाइरल है, जो कॉपर स्पाइरल है, ये इसको वाटर के अंदर इमर्स करके क्यों रखा है, क्योंकि जो वाटर है, ये कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है वाटर का, और जो इससे गैस पास होगी उसका टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अब पोरस प्लग के दोनों तरफ दो रोड्स लगाई हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। दीज आर लोअर रेजिस्टेंट प्लैटिनम रेजिस्टेंट थर्मामीटर, ये प्लैटिनम रेजिस्टेंट थर्मामीटर्स हैं दोनों। तो ये था आपकी कंस्ट्रक्शन। अब क्या होगा, जो गैस यहाँ से पास होगी, वो कॉपर स्पाइरल से पास होती हुई पोरस प्लग में जाएगी। अब पोरस प्लग के अंदर जो आपके पास सिल्क और कॉटन है, इसकी वजह से गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर मूव करेंगे, क्योंकि इसके वजह से गैस मॉलिक्यूल जो होंगे वो एक दूसरे से दूर मूव कर लेंगे। जो गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर मूव करेंगे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रॉटलिंग। इस प्रोसेस को थ्रॉटलिंग कहते हैं। जब गैस मॉलिक्यूल, तो जो आप सिंपल लैंग्वेज में समझे, जो गैस होगी वो थ्रॉटल हो जाएगी जब हमारे पास यहाँ से पास होगी, तो गैस थ्रॉटल होगी, बल गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे दूर मूव कर रहे हैं। सो वर्क डन होगा, जो वर्क इज डन बाय द गैस मॉलिक्यूल टू ओवरकम इट्स जो फोर्सेज लग रही है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। और जो इनकमिंग गैस आ रही है, जो अंदर गैस आ रही है, उसका प्रेशर होगा, जो आपका वो प्रेशर आपका बाय मैनोमीटर मेजर करेंगे, जो निकल रहा है उसका, जो गैस बाहर निकलेगी उसका जो गैस का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। अब सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे होता क्या है जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। देखो, जो गैस बाहर निकल रही है, जो गैस एक्सपेंड हो रही है, या तो वो हीट होगी या कूल, मतलब जो हीटिंग और कूलिंग ऑफ द गैस, जब वो पोरस प्लग से पास हो रही है, चाहे वो गैस हीट होगी या कूल होगी। अब हीट और कूल होगी जब वो गैस, और जो पोरस प्लग का नीचे वाला पोर्शन है, इसका हायर टेम्परेचर होगा, यहाँ पे हायर प्रेशर होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है। व्हेन द गैस मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर फ्रॉम द पोरस प्लग, द गैस गेट हीटिंग और कूलिंग, दिस इफेक्ट इज नोन एज जूल्स एंड थॉमसन इफेक्ट। तो ये तो मैंने आपको सारी थ्योरी बता दी है, अब मैं आपको जो लिखा हुआ है वो बताता हूँ कि है क्या। ओके, वही है, टू कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जूल एंड लॉर्ड केल्विन, उसको थॉमसन भी कहते थे, परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट कॉल्ड एज पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट। आगे देखते हैं कंस्ट्रक्शन, देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन में वही लिखा है, जो अपरेटस कंसिस्ट ऑफ पोरस प्लग जी, पोरस प्लग जी है जो कि सिल्क और कॉटन से बना है, जो कि दो ब्रास प्लेट के अंदर रखा गया है, जो कि
ओके, अब ये ब्रास प्लेट फर्दर ब्रास वेसल डी से कंटेनिंग है, तो आपने जब इसको नोट डाउन करना है, जो जो मैंने आपको डायग्राम समझाई, आप दोनों एक साथ इकट्ठे रख के एक एक लाइन पढ़ते चले जाना और डायग्राम देखते चले जाना, वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई हुई है, जितना भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही थ्योरी है ये। आगे देखते हैं अब, और लास्ट में द प्रेशर ऑफ इनकमिंग गैस इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर, जो प्रेशर ऑफ आउटगोइंग गैस इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब इसका रिजल्ट, वही रिजल्ट है, ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, है ना, जूल और थॉमसन इफेक्ट या थ्रॉटलिंग इफेक्ट डेफिनेशन आना चाहिए, कि द कूलिंग और हीटिंग ऑफ ए गैस व्हेन इट इज अलाउड टू एक्सपेंड थ्रू द पोरस प्लग फ्रॉम अ रीजन ऑफ कॉन्स्टेंट हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर इज कॉल्ड जूल्स थॉमसन इफेक्ट और द थ्रॉटलिंग प्रोसेस। आपको मैं एक बार फिर से इस डेफिनेशन को डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करवा देता हूँ। देखो, जब हमारे पास जो गैस इसमें से एक्सपेंड होगी, जो हीटिंग होगी उसकी कूलिंग होगी, द हीटिंग ऑफ और कूलिंग ऑफ द गैस व्हेन इट इज अलाउड टू एक्सपेंड थ्रू द पोरस प्लग, जब वो पोरस प्लग से पास हो जाएगी फ्रॉम अ रीजन ऑफ कॉन्स्टेंट हायर प्रेशर टू द रीजन ऑफ कॉन्स्टेंट लोअर प्रेशर इज कॉल्ड थ्रॉटलिंग प्रोसेस, जूल्स एंड थॉमसन इफेक्ट। ठीक है, एक बार फिर से समझें, जब गैस हमारी पोरस प्लग पी से पास होगी फ्रॉम हायर प्रेशर टू द कॉन्स्टेंट लोअर प्रेशर, तो गैस है तो हीटिंग होगी, उसकी कूलिंग होगी, तो उस हम प्रोसेस को थ्रॉटलिंग इफेक्ट कहते हैं। तो अब हम रिजल्ट देखते हैं, जूल्स एंड थॉमसन इफेक्ट के रिजल्ट क्या हैं, तो देखते हैं ये इसके रिजल्ट। द बिहेवियर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ गैसेज लाइक एयर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा वर स्टडीड एट वेरियस इन द टेम्परेचर ऑफ गैसेज फॉलिंग। बहुत सी गैसेज का जब हम बिहेवियर चेक करेंगे डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, पहला, एट सफिशेंट लो टेम्परेचर ऑल गैसेज शो कूलिंग इफेक्ट। एक ऐसा सफिशेंट लो टेम्परेचर है जिसके ऊपर हर एक गैस कूलिंग इफेक्ट शो कर रही है, और ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ऑल गैसेज, हीलियम और हाइड्रोजन को छोड़ के हर एक गैस कूलिंग इफेक्ट शो कर रही है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर हाइड्रोजन और हीलियम हीटिंग इफेक्ट शो करती है। बस आपने इतना ही लिखना है इसका, ठीक है, एट सफिशियंट टेम्परेचर, या फिर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर बात करें, ऑल द गैस शो कूलिंग इफेक्ट बट हाइड्रोजन और हीलियम शोज हीटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट आता है, द चेंज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर डिफरेंस ऑन द टू साइड ऑफ द पोरस प्लग। जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर डिफरेंस के ऑन द बोथ साइड ऑफ पोरस प्लग। इसका आगे हम इसका एक्सप्रेशन है उसके थ्रू आपको मैं समझाऊंगा, और वैसे भी आपको पता है, आप डेफिनेशन देख लें जूल्स एंड थॉमसन इफेक्ट की, क्या है, टेम्परेचर चेंज होता है जब गैस हमारे पास हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में जाएगी फ्रॉम द पोरस प्लग। तो वही बात है, जितना टेम्परेचर चेंज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर डिफरेंस के बोथ साइड्स ऑफ पोरस प्लग। लास्ट है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर नोन एज टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन गैस शो नीदर हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट। मतलब जो गैस है वो ना ही हीटिंग इफेक्ट शो कर रही है ना ही कूलिंग इफेक्ट शो कर रही है। एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर गैस ना हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट शो करती है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, और उसको टी सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका हम आगे एक्सप्रेशन भी पढ़ेंगे, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, और इस बार ये 2 मार्क्स में डेफिनेशन आई भी हुई थी, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। तो ये था आपका पूरी थ्योरी ऑफ जूल्स एंड थॉमसन इफेक्ट, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसके वर्किंग, उसके डायग्राम। आपने उसको सभी को अच्छे से पढ़ना है, जितने भी मैंने आपको उसके नोट्स दिखाए, आप सारे नोट्स एज इट इज इनको लिख के इनको याद कर लेना। अब इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है थ्योरी ऑफ जूल्स एंड थॉमसन इफेक्ट, इसके अंदर मैथमेटिकल वर्क होगा, तो मैं आपको लिखते टाइम की वीडियो शूट कर दूंगा, वो आपको शायद इसी वीडियो के मैं साथ में मिले, या फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर आपको मैं बताऊंगा।